हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शेफ़ नितेश एंड वेलकम टू माय चैनल हॉराइजन्स रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल सूप। दोस्तों, जैसे कि अभी सर्दियां चल रही है तो मार्केट में बहुत सारी वेजिटेबल अवेलेबल है और प्राइस भी बहुत अच्छा है, तो चलो इसी मौके का फ़ायदा उठाया जाए और मिक्स वेजिटेबल सूप बनाते हैं। और रेसिपी देखने के लिए हमारी इस वीडियो में बने रहे और अंत तक वीडियो देखें, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हम सूप कैसे बना रहे हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये सूप को बनाने के लिए हमें लगेगा 2 बारीक कटे हुए प्याज, 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1/4 बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, 4 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, मीडियम साइज चॉप किया हुआ अदरक, 1 बारीक कटी हुई बड़ी गाजर, ये थोड़ी सी फूल गोभी जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है, हरी बीन्स बारीक कटी हुई, और हमने थोड़ा सा मटर भी ले लिया क्योंकि मटर सूप से में बहुत अच्छा लगता है। आप चाहते हैं तो आप इसमें ब्रोकली डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, मशरूम्स डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये वेजिटेबल अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। तो चलिए, गैस पे अब हम एक कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। कढ़ाई गर्म होने पर अब हम इसमें 3 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे। अब हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डाल लेंगे, चॉप किया हुआ अदरक। अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे जिससे कि जो अदरक और लहसुन का जो कच्चापना है वो चला जाए। तो ये देखिए दोस्तों, लहसुन और अदरक ने अपना रंग बदल लिया है और अब यही सही समय है जब हम इसमें मिला देंगे प्याज। और जो प्याज है वो हमें थोड़ा सा भूनना है जब तक कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। इसमें तेज पत्ता डालना भूल गया था तो मैं अब डाल देता हूँ। आप इसको स्टार्टिंग में ही डाल लीजिएगा लहसुन और अदरक के साथ और इसको भून लीजिएगा। अब हम इसमें डाल लेते हैं गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, बंद गोभी, फूल गोभी और मटर। अब हम इन सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें मिलाएंगे 1/2 चम्मच नमक, जिससे कि हमारी सब्जियां अपना पानी छोड़ देगी और ये जल्दी कुक हो जाएगी। हम इनको ढक लेंगे जिससे कि जो कुकिंग है वो थोड़ी फास्ट हो जाए। ये देखिए, अब हमारी वेजिटेबल्स जो है अच्छे से कुक हो चुकी है। तो चलिए, अब हम इसमें मिला देते हैं 1 लीटर पानी। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा सूप उबलने लग गया है तो अब हम इसमें मिला देंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच विनेगर और 2 चम्मच मैंने डार्क सोया सॉस डाला है। अगर आपके पास लाइट सोया सॉस है तो आप उसको 3 चम्मच डाल लीजिए। अगर रंग तब भी नहीं आ रहा है तो आप 4 स्पून उसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरी जो सोया सॉस है वो डार्क सोया सॉस है इसलिए मैंने 2 चम्मच सोया सॉस डाला है। तो दोस्तों, अब हम इसको रिड्यूस करेंगे। हमें ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हम 1 लीटर पानी का यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसको 0.5 लीटर तक रिड्यूस करना है। तो चलिए, अब इसको कवर करके हम इसको रिड्यूस कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा सूप जो है रिड्यूस हो चुका है और अब हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर मिला लेंगे। दोस्तों, कॉर्नफ्लावर हमारे सूप को गाढ़ा करेगा और हमें इसको थोड़ा सा पतला ही रखना है क्योंकि जब सूप थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो थोड़ा और थिक होने लग जाता है। तो इसीलिए जो है हमें इसको थोड़ा सा रनी रखना है जिससे कि जब हम इसको सर्व करेंगे तो ये अच्छी अपने टेक्सचर में आ जाए। चलिए, थोड़ा सा मिला देते हैं इसमें चॉप धनिया। अब हम इसे थोड़ा सा उबालने के लिए और छोड़ना है जिससे कि जो धनिया का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरीके से सूप में मिल जाए।
देखिए ये हो गया हमारा सूप रेडी टू सर्व। अब जल्दी से सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हो गया गर्मा गर्म सूप रेडी। और दोस्तों मेरे तो मुंह में आ रहा है पानी, बाहर हो रही है बहुत सर्दी, मैं तो चला सूप पीने। और अगर आपको भी ये सूप पीने का बहुत मन हो रहा है तो जल्दी जाइए और ये सूप ज़रूर बनाइए।